वेलकम बैक टू ग्रास रूट पाठशाला। बहुत टाइम बाद एक वीडियो लेकर आई हूँ फोनिक साउंड पे, और ये हमारे छोटे छोटे बच्चों के लिए है जिनको फोनिक साउंड्स हम सिखाते हैं। तो फोनिक साउंड जो आज हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे दो फोनिक साउंड्स, जिसमें से पहले एंडिंग साउंड है हमारी आई टी एट, हमारी एंडिंग साउंड है इट। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो लेटर है दैट इज आई, और ये लेटर है टी, राइट? तो यहाँ पर आई आई की साउंड होती है ई, आई की साउंड ई, और टी की साउंड ट, ई ट, ई ट। जब आई और टी दोनों को आप एक साथ बोलेंगे तो ई ट, इट विल बिकम इट, राइट? तो इसीलिए जब आई और टी एक साथ आते हैं तो जब आप उसे प्रोनाउंस करते हैं तो आप इट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इट। तो आज हम थ्री लेटर वर्ड्स करेंगे जिसमें एंडिंग साउंड हमारी इट होगी। तो शुरू करते हैं अपने वर्ड। हमारा सबसे पहला वर्ड आप देख सकते हैं एल आई टी। अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे पास है एल आई टी। तो जब भी आपको इसको रीड करना है तो आपको किस तरीके से रीड करना है, या आप अपने घर में अपने छोटे बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो उस वक्त हमेशा याद रखिए, जब भी आपके पास थ्री लेटर वर्ड्स होते हैं तो सबसे पहले आप फर्स्ट लेटर की साउंड निकालेंगे। फर्स्ट लेटर की साउंड है, यहाँ पर ध्यान से देखें तो आपका लेटर क्या है? एल, राइट? तो द साउंड ऑफ एल लेटर इज ल, द साउंड ऑफ एल लेटर इज ल। एंड आई टी हमने अभी बोला, जब आई और टी को आप एक साथ बोलेंगे तो आई की साउंड ई, टी की साउंड ट, इट, राइट? सो व्हाट यू कैन से, ल इट लिट, ल इट लिट। अब बात आती है लिट होता क्या है। लिट होता है जब कोई चीज आप जलाते हैं, ब्लो करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं एक मैचस्टिक जलाई गई है, एक कैंडल जलाई गई है, राइट? तो आपकी मम्मा जब मैचस्टिक जलाती है, कैंडल जलाती है, तो वो जली हुई होती है, तो उसे हम लिट कहते हैं। तो हाउ विल यू प्रोनाउंस इट? इट लिट, इट लिट। एंड हाउ विल यू स्पेल इट? L I T lit. How will you spell it? L I T lit. Let's move to another word. Your next word is H I T. The sound of H is the sound of H is right, and I T together it. So here the sound of H is and I T together it. So it become hit. Ha it hit. Ha it hit. हिट मतलब किसी चीज को मारना, हिट करना, राइट? जैसे कि अगर आप इस पिक्चर को देखें तो हियर द बॉय इज हिटिंग द बॉल, राइट? सो व्हेन यू आर हिटिंग समथिंग, आप किसी चीज को मारते हैं तो उसको हम हिट कहते हैं, ठीक है? एंड हाउ विल यू रीड इट? ह इट हिट, ह इट हिट। एंड हाउ विल यू स्पेल इट? एच आई टी हिट, दैट इज इन फ्रंट ऑफ यू, राइट? एच आई टी हिट। योर नेक्स्ट वर्ड इज K-I-T, kit. K-I-T, kit. Now, how will you read it? जब आप इसको पढ़ना शुरू करेंगे तो सबसे पहले वाले लेटर, फर्स्ट लेटर इज K. सो व्हाट इज द साउंड ऑफ K? द साउंड ऑफ K इज क, द साउंड ऑफ K इज क, एंड I-T टुगेदर इट, क इट किट, क इट किट। सो हियर हाउ विल यू रीड इट? क इट किट। एंड हाउ विल यू स्पेल इट? K-I-T, kit. राइट? अब किट होता क्या है? देखिए, आप छोटे छोटे किट्स बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? जब आप स्कूल में आते हैं तो आपके पास एक छोटा सा किट होता है जिसमें आप अपने क्रेयॉन्स, अपने पेंसिल्स, रेजर एंड एवरीथिंग यू आर कीपिंग, राइट? एक डॉक्टर जो होता है उसके पास एक छोटा सा किट होता है जिसमें वो सारी मेडिसिन रखते हैं, है ना? इसी तरीके से किट किसी भी चीज का हो सकता है, वेयर यू आर कलेक्टिंग समथिंग, ओके? सो दिस इज द पिक्चर ऑफ किट, यू कैन रिकॉग्नाइज के आई टी किट, ओके? तो कई बार पिक्चर के साथ आप रिजेंबल करके समझ सकते हैं, बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, इसलिए आई एम जस्ट मेकिंग द पिक्चर सो दैट आपको और क्लियर हो जाए। नेक्स्ट वर्ड इज पी आई टी, पी आई टी। नाउ हियर हाउ विल यू स्पेल पी आई टी? दिस इज द स्पेलिंग पी आई टी, बट व्हेन यू आर रीडिंग इट हाउ विल यू रीड इट? See, the sound of P is P. The sound of P is P. IT together, it. So the word is P it pit. P it pit. Now what is pit?
से अभी रेनी सीजन भी चल रहा है ना, तो आप देखते हैं जब बहुत ज्यादा बारिश होती है तो मिट्टी में आपको थोड़े छोटे छोटे गड्ढे दिखाई देने लगेंगे जिसमें पानी भर जाता है ना। तो पिट क्या होता है, ऐसे छोटे छोटे गड्ढों को हम पिट कहते हैं। हम कहते हैं ना, देख कर चलो कहीं गड्ढे में ना गिर जाओ, तो वो गड्ढे को हम पिट कहते हैं। तो हाउ विल यू रीड इट, पिट, पिट, एंड हाउ विल यू स्पेल इट, PIT, पिट। सो हियर इज द पिक्चर ऑफ पिट, यू कैन सी बहुत बड़ा सा एक पिट बना हुआ है और उसमें पानी भरा हुआ है ना। अब हम एक और साउंड लेंगे जिससे कि हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वर्ड्स बन सकते हैं, ठीक है। सो नाउ हियर वी विल डू वर्ड्स एंडिंग विद इड साउंड। हियर आई डी, द साउंड ऑफ आई इज ई एंड द साउंड ऑफ डी इज ड, ई ड, ई ड, टुगेदर इड, राइट। सो व्हेन आई एंड डी कम्स टुगेदर व्हाट साउंड विल कम, इट, द साउंड विल बी इट। सो हियर व्हाट विल यू से, आई डी मेक्स इट। सो अब हम पढ़ेंगे ऐसे थ्री लेटर वर्ड्स जिनमें एंडिंग साउंड आपकी इड होती है, ओके। सो लेट्स मूव टू आवर फर्स्ट वर्ड, एच आई डी, एच आई डी, द साउंड ऑफ एच इज, द साउंड ऑफ एच इज, हाउ विल यू रिमेंबर द साउंड, सो द साउंड ऑफ एच इज ह, आई डी टुगेदर इड। सो हियर ह इड हेड, हाउ विल यू रीड इट, ह इड हेड, ह इड हेड, एंड हाउ विल यू स्पेल इट, एच आई डी हेड। अब हेड होता क्या है, जब आप कहीं पर छुपते हैं, जब आप हाइड एंड सीक खेलते हैं तो आप छुप जाते हैं, कोई आपको ढूंढ रहा है, तो हिड होता है छुप जाना। लेट्स मूव टू अ पिक्चर सो दैट आप उसको और अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए, हियर यू कैन सी इन दिस पिक्चर, यहाँ पर ये बच्चा जो है वो एक बिन के अंदर छुपा हुआ है, यहाँ पर ये बच्चा बुशेस के पीछे छुपा हुआ है, और यहाँ पर जो बच्चा है वो एक कार्टन के अंदर, एक बॉक्स के अंदर छुप गया है। तो हिड मीन्स छुपा हुआ, छुप जाना। सो हाउ विल यू रीड इट, ह it hid, ha it hid, and how will you spell it, hid hid. Let's move to another word, kid, kid. अभी हमने k की साउंड की थी, राइट। सो ईयर पहली साउंड, इनिशियल साउंड हमारी क्या है, k। तो k की साउंड होती है क, k की साउंड क्या होती है, क। सो व्हाट विल यू से, k it kid, क इड किड, राइट। क्योंकि हमें पता है आई डी एक साथ आते हैं तो इड बनाते हैं, आगे है के की साउंड है क, तो ये क्या बन गया, क इड किड, ठीक है। तो जब ये किड बना तो अब आपने इसको रीड किया, कैसे रीड किया, क इड किड, है ना। और आपने इसको स्पेलिंग भी याद कर ली, के आई डी किड विद द हेल्प ऑफ साउंड। अब किड होता क्या है, अब सब जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको हम क्या कहते हैं, किड। देखिए यहाँ पे बच्चा बैग टांग के स्कूल जा रहा है, ये भी किड है। तो जो बच्चा होता है उसको हम क्या कहते हैं, किड कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज एल आई डी, एल आई डी। नाउ द साउंड ऑफ एल इज ल, द साउंड ऑफ एल इज ल, एंड आई डी टुगेदर इट, आई डी एक साथ क्या बना रहा है, इट, और एल की साउंड है ल। तो जब आप दोनों को तो एक साथ बोलेंगे ल इट, ल इट, ल इट, इट विल बिकम lid, 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 lid. So how will you read it? Lid, lid. Sorry. And how will you spell it? Lid, lid. ठीक है? अब ये होता क्या है? Generally in kitchen आप lid को देखते हैं. Generally क्या? ज्यादातर वहीं देखेंगे आप. जब आपकी मम्मा खाना बनाती है, कई बार कोई भी ऐसी खाने की चीज होती है जिसे आप कवर करके रखते हैं, तो आप उसको एक कवर से, ढक्कन से ढक देते हैं, दैट इज कॉल्ड लिड। हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ लिड, दिस इज लिड, इसे हम लिड कहते हैं, ठीक है। आप देखते हैं, आप पानी की बॉटल लाते हैं, उसको आप कैप से बंद करते हैं, उसे भी आप लिड कह सकते हैं। कोई जार आपने बंद किया तो दैट इज लिड, जो भी कवर करने के लिए आप यूज करते हैं, ढक्कन जिसे आप हिंदी में कहते हैं, उसको हम लिड कहते हैं, ठीक है। योर नेक्स्ट वर्ड इज mid, m i d. So here the sound of m, m की साउंड क्या होती है, m की साउंड म नहीं होती, m की साउंड होती है m, m, okay, m की साउंड m, i d it, m it mid, m it mid,
ठीक है, नाउ हियर एड मिड, एम आई डी मिड। अब मिड का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पर आपको 1, 2, 3 आपको 3 स्माइलीज दिख रही है ना, जिसमें से आप देखो एक स्माइली उल्टी है, राइट, दो सीधी है एक उल्टी है। तो जो ये वाली स्माइली है अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो इसकी पोजीशन क्या है, ये दोनों के मिड में है, बीच में है। तो कोई चीज जब दो चीजों के बीच में आ जाती है तो उसे कहते हैं मिड में, मिड, इट मिड, इट मिड। सो हाउ विल यू रीड इट, इट मिड, एंड हाउ विल यू स्पेल इट, एम आई डी मिड। सो दीज वर द वर्ड्स जो हमने एंडिंग साउंड्स के साथ किए, और आज की हमारी एंडिंग साउंड थी आई डी इट, एंड अनदर वन वॉज आई टी इट। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, आप इसे घर पे दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।